दोस्तों फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है साइक्रोपॉटिक पॉइंट। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कोई भी सीडी वीसीडी या डीवीडी में कोई डेटा या फाइल कैसे डालें। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हमें हमारा जो कंप्यूटर है उसको ऑन कर लेना है, उसमें माई कंप्यूटर पर हमें जाना है। इसके बाद हमें जो फाइल पेस्ट करनी है उसका लोकेशन हमें यहाँ पर ढूंढ लेना है, मतलब हमारी फाइल जहाँ पर भी है उसको वहीं से हमें कॉपी कर लेना है। अब ये फाइल हमें कॉपी कर लेने के बाद हमें उसको डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर लेना है। फाइल को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के बाद हमें उसे सिलेक्ट करके वहाँ पर जो बर्न का ऑप्शन दिखाया गया है उस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारी जो डिस्क ड्राइव है वो अपने आप यहाँ पर ओपन हो जाएगी। दोस्तों हमें इसे ओपन होने तक यहाँ पर रुक लेना है। जैसे ही यह डिस्क ओपन होगी तो हमें हमारी जो ब्लैंक सीडी है इसको इंसर्ट कर लेना है। दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो ब्लैंक सीडी है उसको किस प्रकार यहाँ पर सेट करके इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट कर देने के बाद यहाँ पर कुछ देर हमें यहाँ पर रुक लेना है। दोस्तों यह प्रोसेसिंग अपने आप यहाँ पर जारी रहेगी। ये प्रोसेसिंग जारी रहते समय अब ये डिस्क यहाँ पर हमें दिखाई देगी। इसके बाद अपने आप इस फाइल का नाम यहाँ पर रिनेम करने को कहा जाएगा। दोस्तों हमारी फाइल जो है हमें यहाँ पर उसका नाम दर्ज कर लेना है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें से ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है और उस पर हमें यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। दोस्तों जब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यह प्रोसेस आगे जारी होगा। इसके बाद यह अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये डिस्क फॉर्मेटिंग प्रोसेस होने के बाद यह अपने आप ब्लैंक होगी और इसमें हम हमारी फाइल या डेटा यहाँ पर फोल्डर यहाँ पर हम पेस्ट कर सकते हैं। जब ये फॉर्मेटिंग प्रोसेस पूरी होगी तो आगे की प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीडी ब्लैंक हो गई है। तो अब क्या करना है आपको दोस्तों, अब हमारा जो डॉक्यूमेंट है उस पर हमें यहाँ पर जाना है। दोस्तों डॉक्यूमेंट में जाने के बाद उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको यह फाइल यहाँ पर थोड़ी देर में पेस्ट होने के बाद दिखाई देगी। अभी दिखाई देने के बाद हमारी प्रोसेस यहाँ पर पूरी हो चुकी है, लेकिन डिस्क यहाँ पर इजेक्ट नहीं करने। दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर जो सेशन है उसको हमें यहाँ पर क्लोज कर लेना है। अभी क्लोज करने के बाद यहाँ पर हमें क्लोज सेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें इजेक्ट पे क्लिक करना है। जब हम इजेक्ट क्लिक करेंगे तो हमारी सीडी फिर बाहर आ जाएगी और यहाँ पर हमारा प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।